सत श्री अकाल जी, स्वागत है अज की इस नवी वीडियो में। अज की वीडियो रहेगी यूके स्टूडेंट वीज़ा ट्रेंड को लैके। राइट नाउ काफ़ी बच्चे ने जिन्हां दी एप्लीकेशन लग रही ने, अंबैसी के इंटरव्यू की रेशो जरूर घटी है, खत्म नहीं हुई, बट ट्रेंड को लैके मैं तुहानूं क्लैरिटी प्रोवाइड करांगा कि हुण की चल रहा है। मार्च आ चुका है, मार्च के वीज़ा ट्रेंड की कह रहा है, किन्ने इंटरव्यू आ रहे हैं, कितने प्रोफाइल पर वीज़े आ रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल पर नवे पहली बार आए हो, 90410 90410 से कॉल कर लो। स्टूडेंट वीज़ा लैके जो भी सवाल रहेंगे, डाउट रहेंगे ने, तो टीम ना कंटैक्ट कर सकते हो। 90410 90410 साडा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कर सकते हो। जो ऑफिस आके मिलना है तो साड़ी नियर बाय ब्रांच, जो भी नियर बाय ब्रांच तुहानूं पैंदी है, उत्थे जाके जिहड़ी कि लुधियाना अमृतसर जलंधर तीन लोकेशन पर है, जो नियर बाय पएगा तुहानूं, तुसीं उत्थे आके मिल सकते हो। टीम ना जिहड़ा कंटैक्ट है वो कर सकते हो। सो इत्थे अगर आपां गलबात करिए ट्रेंड नूं लैके, एडमिशन वालों वास्ते इनटेक ऑलरेडी ओपन ने, मैं लास्ट वीडियो जिक्र कर चुके हो, देख लो, एडमिशन अप्लाई कर सकते हो कंटैक्ट करके। बट जो वीज़ा ट्रेंड है ना, क्योंकि हम कैश लैटर भी आने स्टार्ट हो चुके मई इनटेक के भी, सो जो फाइल लग रही ने हूँ भी, जो रिजल्ट आ रहे हैं, नॉन आप जी प्रोटी सर्विस केस ला रहे हैं, जिस 15-20 दिन रिजल्ट है ना, उस भी विद इन 10 डेज रिजल्ट आ रहे, पासपोर्ट डिस्पैच हो रहे वीज़ा के नाल। दैट मीनस कि इंटरव्यूज आर स्टिल वेरी रेयर, वेरी रेयर। मैं इसलिए कह रहा कि वैसे नहीं आ रहे, बट यस एनी टाइम आ सकते, अपन तैयारी जरूर करनी चाहिए, असं भी कराने। सो इंटरव्यू चाहे नहीं आ रहा, बट असी इंटरव्यू की तैयारी जरूर कराई दी बच्चों की, इनकेस आ जाता तो बच्चा प्रिपेयर हो। है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, वीज़ा आ रहे हैं, चाहे स्टूडेंट ला रहा, चाहे स्पाउस ला रहा। स्टूडेंट पहला वीज़ा लैके चलिया जाए तो ज़्यादा बैटर है, स्पाउस वीज़ा जो इंटरव्यू का क्लॉज वैसे ही है नहीं, बच्चों के भी वीज़े आ जाने। ध्यान रखने की लोड़ यह है कि अपन जो एडमिशन है ना, उदे उत्ते डिले नहीं करना चाहिए, जिहड़े नवे एप्लीकेंट होंदे ने। करंट कैश लैटर आ रहे हैं, फाइल तुसीं लगा दो एज सून एज पॉसीबल, अप्लाई करो अगर तुहाडे फंड रेडी है। वीज़ा तुहाडा जिहड़ा 10 दिन के अंदर अंदर लग के आ जाएगा, क्योंकि रश नहीं है। होना की है, कईआं दे कैश जिदा मार्च च आ जांदा, हुणे अप्लाई कर दो। जदों मई नेड़े आ गया ना, तो अप्रैल महीने च रश वधना है, ठीक है। जदों रश वधना ना एप्लीकेशन का, उदों कितें ना कितें प्रैक्टिकल दिखिए तो अंबैसी टाइम लेंदी है रिजल्ट के। फिर बच्चों के सवाल आने शुरू हो जाते कि 30 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, यूके का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया, अंबैसी फाइल गई है, कुछ आ नहीं रहा, कोई अपडेट ही नहीं आ रही, रिजल्ट 15 दिन चाहना सीगा, 25 दिन हो गए हैं, तो उस सिचुएशन की फिर रेडी रहो। क्योंकि देखो अगर कैश आ गया तो एज सून एज पॉसीबल अप्लाई कर देना चाहिए, ताकि हुण रश नहीं है। मार्च पूरे मंथ च देखो जिन्होंने फाइलां लानी है, उन्होंने रिजल्ट टाइम ना मिलने, क्योंकि हाई कमीशन को रश घट है। बट यस, अप्रैल तो बाद फिर थोड़ा रश बढ़ जाता, मई आते आते तो बहुत ज़्यादा रश होया होता कि फाइल मैसेज ज्यादा आते, तो रिजल्ट लेट होंगे। ट्रेंड पॉजिटिव है, इंटरव्यू घट ने, एडमिशन की गल करिए, स्टिल यूनिवर्सिटीज़ आर देयर जिहड़ियां तुहानूं 8-10 साल के गैप ना भी एडमिशन दे रही ने। हाँ, लैंग्वेज एबिलिटी जी है ना, उत्ते थोड़ा ध्यान रख्या करो, क्योंकि बहुत बच्चे ने जिहड़े आलस नहीं करना चाहते, यूके जाना है, 8 साल का गैप पै गया, 10 साल का गैप पै गया। तो मैं देखो तुहानूं क्लैरिटी देना कि यह जिहड़ा गैप है ग्रैजुएशन तो बाद एक्सैप्ट हुंदा है 8-10 साल का। बट ये की होंगे कि फिर एप्लीकेंट कहता कि मैं आलस नहीं करना चाहता, मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं विदाउट आलस भेजो, बट इदा नहीं होंगे। प्लस टू जो थोड़ी पुरानी हो जाती ना, तो प्लस टू के स्कोर के बेस पर एडमिशन नहीं देंगे, कुछ यूनिवर्सिटियां एडमिशन देंगे ने, बट तुम रेडी रहो कि तुम डुलिंगो कर लिया करो, क्योंकि एप्लीकेंट की करता, एक कंसल्टेंट को जाता, वह कहता जी विदाउट आलस नहीं, तुम्हें डुलिंगो करना पैना, वह कहता चल मैं किसी होर को जाना, 2-3 को जाता, कोई ना कोई मिल जाता जो कहता जी हाँ जी कोई गल नहीं, डुलिंगो की लड़ नहीं, अप्लाई करो। बट होंगे की है कि जे रिक्वायरमेंट अगर आ गई, तुम्हें फिर भी करना ही पैना। वैसे भी कहें कि कोशिश करा कि विदाउट हो जाए, बट यस चांसिस होंगे है कि वो डुलिंगो का एग्जाम तुहाडे को मंगणगे, तुहानू स्टडी कीती नू टाइम हो गया होंगे। उदों बाद जिहड़े लोग अकैडमिक की गल करिए, अकैडमिक 50% तक चल जाते हैं, 48-49 भी रिस्क रहिंदा, एक अद्धी यूनिवर्सिटी होंगी, बट मैं रिकमेंड नहीं करता। स्टिल 50+ ग्रैजुएशन जो प्लस टू च होना चाहिए ने, प्लस टू की पिछले 3-4 साल कोई गल नहीं, ग्रैजुएशन की 10 साल हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जिस इस तो पुरानी है तो फीस में लैके थोड़ा जहा हाई फीस थोड़ी आ सकती है, बट ऑप्शन स्टिल जेडे है वो तुम्हें मिल सकते हैं। अप्लाई करना तो 90410 90410 से कॉल कर लो, नियर बाय ब्रांच आके मिल सकते हो, तो यूके पढ़ने का सुपना जोड़ा अपना इसे साल के पूरा कर सकते हो वीज़ा ऑफिस की टीम की हेल्प लैके। अजली इन्हें दोस्तों, धन्यवाद।